हेलो दोस्तों, तो लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी हाउ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर, ये है उसका पार्ट टू। लास्ट टाइम हमने तीन चीज़ों पे बात की थी। पहला, अवॉइड द यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, सेकंड डोंट लिटर, और थर्ड यूज़ ऑफ वेट वाइप्स। आज जो बाकी के चार पॉइंट्स बचे हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। फोर्थ पॉइंट उसका जो रहेगा हमारा वो ये रहेगा, रिस्पेक्ट लोकल कम्युनिटी। तो अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं या ट्रैक करते हैं तो ऑब्वियसली आप उनकी जगह पे जा रहे हैं, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके बहुत सारे कस्टम्स होंगे, उनकी लैंग्वेजेस अलग होंगी, उनकी क्लोथिंग अलग होगी, तो आप उसका रिस्पेक्ट करिए। उनकी मजाक बनाना और ये सब हमें नहीं करना चाहिए, और हर एक इंसान को हम एक स्माइल के साथ तो ग्रीट कर ही सकते हैं। और जैसे आपका ट्रिप ख़त्म होता है और ट्रैवल ख़त्म होता है तो आप ये काम कर सकते हैं कि कुछ लोकल सोवनियर्स उनसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोकल लोग होते हैं वो टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं। आप उन्हीं के रेस्टोरेंट्स में, वहीं पे जो लोकल ढाबे होते हैं वहाँ पे खाना खा सकते हैं, वहाँ की लोकल मील्स एंजॉय कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो वो लोकल कम्युनिटी है उसकी रिस्पेक्ट करना और उसको सपोर्ट करना एक मतलब रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर का धर्म है। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है वो ये है, प्लेइंग म्यूजिक वाइल्ड ट्रैकिंग। अभी क्या है कि बहुत सारे जो नए ट्रैकर्स होते हैं वो ब्लूटूथ स्पीकर्स लेके आते हैं और ज़ोर ज़ोर से गाने बजाते हैं, तो मैं इसमें म्यूज़िक के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद एक बहुत बड़ा म्यूज़िक लवर हूँ। मगर जब आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो बहुत सारे आपको फेलो ट्रैकर्स मिलेंगे, और आप मतलब जो बाकी ट्रैकर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रैकर्स होते हैं, वो पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक सिटी लाइफ को छोड़ के, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के उस टेरेन में आते हैं, नेचर की म्यूज़िक सुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग एनिमल साइटिंग्स करना चाहते हैं, बर्ड वॉचिंग करना चाहते हैं, और आप अगर ऐसे हल्ला गुल्ला मचाते हुए और एकदम पार्टी मोड में उस ट्रैक में जाएंगे तो ज़रूर आपके फेलो ट्रैकर्स को प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डकोर म्यूज़िक लवर हैं आप हेडफोन्स कैरी कर सकते हैं, और वो हेडफोन्स जब आप बेस कैंप में पहुँचे, अपनी कैंप साइट में पहुँचे, तो अपने टेंट्स के अंदर आप बिल्कुल म्यूज़िक इन्जॉय करिए। हमारा ऐसा कोई म्यूज़िक के अगेंस्ट कोई नहीं है। और हाँ, चलते वक्त भी, ट्रैक में जैसे चलते वक्त भी हेडफोन्स नहीं लगाएं, क्योंकि उसमें बहुत सारे वायर्स होते हैं और इधर उधर एंटेंगल होने का खतरा रहता है। और बहुत बार ये होता है कि आपका जो ट्रैक लीडर है वो आपको बीच बीच में कमांड्स देता है, कहीं पे कुछ रफ सेक्शंस आते हैं और आप अगर अपनी ही धुन में हेडफोन्स लगा के चल रहे हैं, सपोज़ आपके वायर्ड हेडफोन हैं, ब्लूटूथ हेडफोन्स हैं, तो अगर आप चल रहे हैं आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है तो वो भी एक सीरियस इशू है, एक तरीके से डेंजर ही है, तो उसके अगेंस्ट भी हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। नाउ सिक्स पॉइंट है कि जैसे हम सपोज़ बॉनफायर करते हैं, वैसे तो अभी फॉरेस्ट ने हर जगह बॉनफायर बैन ही कर दी है, कोई भी कंपनी आपको बॉनफायर नहीं देगी, बट स्टिल कहीं किसी ऐसी जगह जहां बॉनफायर होती है, या सपोज़ आप किसी सोलो ट्रिप में गए हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ आप अल्पाइन स्टाइल क्लाइंबिंग करने गए हैं और वहां पे आपने आग जलाई, तो उस केस में मेक श्योर कि वो आप आग बंद करें, क्योंकि वो वाइल्ड फायर के लिए तो ऑब्वियसली वो एक रिस्क है ही, पर आपके जो रात को हवा चलती है और उसके जो एशेज आते हैं उससे आपके खुद के टेंट्स भी जल सकते हैं। अब एक और इसमें पॉइंट है, लास्ट पॉइंट वो ये है कि ट्रैक्स में आपको वॉशरूम्स नहीं मिलेंगे, प्रॉपर वॉशरूम्स, जनरली ड्राई टॉयलेट्स होते हैं, तो उसी के लिए जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी आप टिश्यू पेपर यूज़ करते हो, ठीक है, मगर आप ये इंश्योर करिए, जैसे अगर आप टूथब्रश करते हैं या वॉशरूम जाते हैं तो आप ये इंश्योर करिए कि आप किसी वाटर सोर्स के पास में ना जाएं, क्योंकि जनरली क्या होगा, जो आपकी कैंप साइट सेटअप होगी, चाहे वो आप खुद सेटअप करो या फिर आप किसी कंपनी के थ्रू कर रहे हो, जनरली कैंप साइट्स किसी वाटर स्ट्रीम या वाटर सोर्स के पास ही होती है, क्योंकि जल ही जीवन है, जल के बिना तो पहाड़ों में भी जीवन नहीं है। पर होता क्या है, अगर हम ये अपनी जो ये वाली एक्टिविटीज़ हैं, टूथब्रश और जो डेली वेस्ट है, ये सब करने अगर हम वो वाटर स्ट्रीम्स के पास जाएंगे तो हम वहाँ का पानी पॉल्यूट करेंगे, और वो जो वाटर स्ट्रीम्स है ना पूरे गांव में, जिस जहाँ से आपने ट्रैक शुरू किया होगा वहाँ पे ऐसा कोई फिल्टर्ड पानी तो आता नहीं है, वहाँ पे वही पानी का सोर्स होता है, तो एक तरीके से आप वो पानी अगर गंदा कर रहे हैं तो सारे गांव वालों के लिए गंदा कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जब आप नीचे उतरेंगे और उस बेस विलेज में रुकेंगे तो वहाँ पे भी आपको वही पानी पीना है, तो बेसिकली अगर आप सपोज़ आज वो पानी गंदा करके ऊपर जा रहे हो तो जिस दिन आप नीचे लौटोगे आपको ही वो पानी पीना है, तो उन लोगों के लिए भी और अपनी हेल्थ के लिए भी वो पानी आपको बिल्कुल पॉल्यूट नहीं करना है। अगर आप टूथब्रश करते हैं आप एक बोतल में पानी लीजिए और वो वहाँ से थोड़ा दूर जाके करिए, और जो भी आपको करना है वो वहाँ से थोड़ा दूर जाके करिए, ठीक है। एक इसमें मैं आपको बोनस पॉइंट दूंगा, बोनस पॉइंट उसमें यह है कि कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल।
अल्कोहल, मैं ऐसा कुछ अल्कोहल के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर ऑब्वियसली अगर आप एक ट्रैक पे जा रहे हैं तो ड्यूरिंग द ट्रैक आप अल्कोहल अवॉइड करिए, और हो सक अगर आपको पार्टी करना है या ऐसा कुछ करना है तो ट्रैक में या बेस कैंप में वो आप मत करिए। आप ट्रैक जब ख़त्म हो जाए, तो आप जब नीचे बेस विलेज उतर जाएँ और आपका पूरा ट्रैक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हाँ आप कर सकते हैं। हर चीज़ के एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। वैसे ही क्या है कि जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मंदिर में आप भी शराब पीना पसंद नहीं करेंगे, तो वैसे ही जो ट्रैकर्स होते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ड्रिंक नहीं करते, मगर उनके लिए वो जो माउंटेन है वो बहुत प्योर है, तो वहाँ पर मत करिए। और नीचे जाके हाँ आप कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अच्छा नहीं है, वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, बॉडी डिहाइड्रेट करता है, उससे आपको एल्टीट्यूड सिकनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये सारी इसमें सब बहुत सारी दिक्कतें इन्वॉल्व होती हैं। तो हर ट्रैकिंग कंपनी आपको यही सजेस्ट करेगी कि अल्कोहल, मतलब सजेस्ट क्या करेगी, मैंडेटरी होता है कि ड्यूरिंग द ट्रैक्स आपको अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है। बस इतना सही आज का वीडियो था, और मैं होप करता हूँ ये कि आप सब इन स्टेप्स को खासकर फॉलो करेंगे ट्रैक्स और ट्रैवल करते टाइम, क्योंकि जो भी चेंजेस हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट हैं, वो हमको ही करने हैं, कोई दूसरा हमारे लिए नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि ये ऐसा वक्त आ गया है कि ये सब करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बहुत सारे ट्रैक्स हैं जैसे रूपकुंड है, स्टॉक कांगड़ी है, ये सब बैन हो चुके हैं। तो एक टाइम पर जहाँ हम फ्रीली ट्रैकिंग कर सकते थे, आज हम ट्रैकिंग भी फ्रीली नहीं कर सकते हैं, और उस इसी वजह से, क्योंकि कुछ लोग हैं, वैसे मोस्टली जो ट्रैकर्स होते हैं वो फॉलो करते हैं, पर कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं, तो उन कुछ लोगों की वजह से पूरी की पूरी कम्युनिटी सफ़र करती है। तो आप भी ये फॉलो करिए, और अगर आपको अपने सामने ये सब होता हुआ दिखता है, कुछ गलत होता हुआ दिखता है, तो आप ज़रूर दूसरे इंसान को टोक भी सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, उसको सही चीज़ बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।